अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमेर और आप देख रहे हैं उमेर वर्कशॉप। आज मैं बात करूंगा इस सीट क्लीनर के वाले से, जो कि मैं ऑलरेडी इसका ट्यूटोरियल ऐड लगा चुका हूं, अपलोड हो चुकी है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी वहीं पे अपलोड है। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में है या फिर ऊपर अभी आ रहा होगा कार्ड, तो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसका जो डायमेंशन हमने रखा है वो हमने रखा है, जो ऊँचाई है वो है 18 इंचेस और जो चौड़ाई है वो है 14 इंचेस और जो गहराई है वो हमने रखी है इसकी, मतलब कि ओवरऑल 5 इंचेस है। इसकी जो ट्रेस हैं आपकी देख सकते हैं कि नॉर्मली ये ट्रेस होती हैं, इसके अंदर जो दाना छन के आता है वो ये वाला है और जिसमें छिलका आता है वो ये वाला है। तो इसका जो तरीका कार है काम करने का बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से आपने जो है दाना डालना होता है, ऊपर जो है इसका इनलेट है जहाँ से दाना डालते हैं, ठीक है, दाना आता है और इसकी जो स्पीड है स्लो होती है, ठीक है, वो जो दाना इस पर गिरता है तो फिर ये यहाँ पे गिरते के साथ ही ये जो फैन चल रहा है ये इस पर थ्रो करता है हवा, ठीक है, जो यहाँ से हवा जो है खींच रहा है और जो है सामने की तरफ फेंक रहा है। जब ये जा रही है इसकी हवा तो इस सामने की तरफ जो इसको होल है वेंटिलेशन, यहाँ से हवा बाहर जा रही है, ठीक है। तो जो भी हल्की चीज़ होगी, छिलका जितना जैसे कि हल्की चीज़ होती है छिलका और पेपर या जो भी मिट्टी विट्टी, तो वो छन छन के सामने की तरफ गिरती है और फिर नीचे की तरफ गिरती है, इसमें जमा होती जाती है। और जो मोटा छिलका होता है, मोटा जो हैवी चीज़ होती है, वो इसको उड़ा नहीं पाता तो गिर के यहाँ पर जमा होती जाती है। तो फिर आपकी जो सेपरेशन होती है वो छिलका ये और जो दाना है वो ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे परफेक्ट किस्म के जो है दाना साफ़ करने वाली मशीनें मौजूद हैं, इसको आप सर्च कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट टाइप की चीज़ है। उसके बाद इसकी जो ये जो हमने डिवाइस यूज़ करी है उसका नाम है LM2596, जो कि आपकी जो वोल्टेज इसको मिल रहा होता है उसको वो कम या ज़्यादा कर सकता है, यानी कि जो स्टेप डाउन है, अगर इसको हमने 12 वोल्ट दे रहे हैं अभी तो हम इसको फुल ऑन चला रहे हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं पंखा चल रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कम करता हूँ, ये इसकी फुल स्पीड है, ठीक है, और फिर हम इसको लो करते हैं, देखिए वोल्टेज फिर कम जाएगा फैन को, तो इससे भी हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कितना मोटा छिलका है, या अगर हल्का दाना है तो सिर्फ और सिर्फ बहुत हल्का छिलका निकले तो इससे भी हम डिटरमिन कर सकते हैं कि हमें कितनी स्पीड चाहिए। इस चीज़ को जो है हम बहुत सारी दूसरी प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और आगे जाएंगे इसको हम और बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं और ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन इनको भी देख के आप सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।